परमचंदी बाबूजी, बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम ये जानना चाहते हैं कि व्यक्त दुनिया क्या है और अव्यक्त दुनिया क्या है। हम दोनों ही दुनिया के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। देखो, व्यक्त दुनिया माना जो इन आंखों से, मनुष्य की आंखों से जो दिखती है वो व्यक्त दुनिया। व्यक्त दुनिया माना लौकिक दुनिया, माना स्थूल दुनिया, माना पांच तत्वों की दुनिया, माना मृत्यु लोक। जो मनुष्यों को, जो मनुष्य की आंख से, मतलब पांच तत्वों के शरीर से जो दिखता है वही मृत्यु लोक है और वही व्यक्त दुनिया है, जिनको व्यक्त कर सकते हो। और जो अव्यक्त दुनिया है, जो जैसे पांच तत्वों से परे चला गया तो तीन तत्वों में भी अव्यक्त हो गया ना, तीन तत्वों में, तो मनुष्य जो नहीं देख सकता ना, तीन तत्व वाली आत्माओं को या तीन तत्व वाली दुनिया को नहीं देख सकता ना मनुष्य, तो ये सूक्ष्म दुनिया हो गई। ये सूक्ष्म दुनिया हो गई ना, तीन तत्वों की जो दुनिया है वो सूक्ष्म दुनिया हो गई। अब तीन तत्वों की दुनिया, तो ये व्यक्त दुनिया के साथ सूक्ष्म जगत वाले भी बहुत रहते हैं, आत्मा है, तो भी व्यक्त और अव्यक्त दोनों साथ साथ हो गए। मगर इससे भी दूसरा लोक में भी अव्यक्त दुनिया है, इससे अच्छी अव्यक्त दुनिया है, इससे अच्छी तरह है, इससे भी और ऊपर जाओ तो स्वर्ग लोक में इससे भी अच्छी दुनिया है। स्वर्ग लोक में क्या मनुष्य इधर से स्वर्ग लोक देख सकता है, दूसरा लोक देख सकता है, तीसरा लोग देख सकता है? ये तो जब आत्मा उसी कैटेगरी के हिसाब से उसका शरीर, उसकी आत्मा का जो शरीर है तीन तत्वों का बन जाए, तो तीन तत्वों की आत्मा जिनको अव्यक्त कहते हैं, तीन तत्वों की आत्मा अव्यक्त कहते हैं, अव्यक्त दुनिया। अब अव्यक्त दुनिया में बहुत आप आते हैं, अब भूलोक से ऊपर भूलोक, स्वलोक, फिर उसके ऊपर महालोक, फिर जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी तक, वो अति ऊपर अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म होती जा रही है। एक इससे ऊपर विष्णुपुरी होता है, वो फिर कारण जगत बन जाता है उसको, क्योंकि अति अति करते तो वो फिर कारण जगत बन गया, कारण दुनिया बन गई। कारण जगत के अंदर फिर इससे ऊपर भी शिव शक्ति पूरी, शिव शक्ति महाकारण दुनिया बन गई। महाकारण माने वहां से सब कुछ कारण, ब्रह्मांड को चलाने के जो कारण निमित्त बनती है वो महाकारण दुनिया है। तो शक्ति ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराती है ना, इस ब्रह्मांड की आदि शक्ति। और वो शिव ने आदि शक्ति की रचना की, शिव आकारी, शिव शक्ति जहाँ रहते हैं उसी पूरी, वो महाकारण जगत है, उससे ऊपर परम धाम है निराकार, जहाँ शिव निराकार परम धाम में रहता है। तो ये अब उसको तो अब वो तो बहुत ही अव्यक्त दुनिया हो गई, इनको तो इन सूक्ष्म जगत वाली आत्मा भी नहीं देख सकते, उसको निराकारी दुनिया देखने के लिए तो बहुत बड़ी मेहनत है। बाबू जी, ये तो बात आपकी सच कही, क्योंकि सूक्ष्म दुनिया के बारे में जो है, इवन आत्माओं ने जो बुकें लिखवाई है वो लोगों ने भी कभी इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया है। नहीं, सूक्ष्म हमारे ब्रह्म, हमारे शास्त्रों में जो है, हमारे जो वेदोपनिषदों में, हिंदुओं के जो वेदोपनिषदों में है, वो एक ब्रह्मांड के बारे में, कई लोग ये 14 लोगों के बारे में, 7 पाताल लोगों के बारे में, अतल विदल सुतल रसातल महातल पाताल के बारे में लिखा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड के बारे में लिखा हुआ है, अतल विदल सुतल रसातल ये सब लिखा हुआ है। मगर एक ब्रह्मांड का नहीं, एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम, तो अब एक सोलर सिस्टम से आगे चलोगे तो क्या वहां भी अव्यक्त दुनिया है क्या? दूसरे हर सोलर सिस्टम में ऐसी दुनिया है ना, स्थूल जगत भी है, जहाँ स्थूल दुनिया है वहां हर ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड गया है ना, तो अनंत प्रकार, अनंत कोटि प्रकार के ब्रह्मांड, कोटि माना प्रकार के ब्रह्मांड भी है, अनंत कोटि माना करोड़ों ब्रह्मांड भी है। तो ये गैलेक्सी माना एक आकाशगंगा महाब्रह्मांड हुआ, उसमें जितने सोलर सिस्टम है इतने सारे ब्रह्मांड हुए, तो अरबों सोलर सिस्टम में, गैलेक्सी आकाशगंगा में, तो इसका रचयिता महर्षि है। तो जो ये अव्यक्त है, सेंट्रल पॉइंट से देखो अव्यक्त, जो अव्यक्त माना जो नहीं दिखता, जो नहीं दिखता उसको साइंस वाले क्या कह रहे हैं, डार्क एनर्जी, क्या कहते हैं, डार्क एनर्जी, दिखती नहीं है मगर वो है, डार्क एनर्जी कहते हैं साइंस वाले। और ये स्थूल दुनिया को डार्क मैटर कहते हैं, स्थूल दुनिया माना डार्क मैटर। अब डार्क एनर्जी जो दिखती नहीं है इन आंखों से, साइंस के कैमरे में भी नहीं आती, उसको डार्क एनर्जी कहते हैं। तो ये डार्क मैटर भी अलग तरह से होती है, मगर डार्क मैटर तो दिखेगी ना, मैटर है तो दिखेंगे ना, मैटर माना मटेरियल माना भौतिक दुनिया, भौतिक जगत है, भौतिक साइंस है, भौतिक साइंस कहते हैं ना। तो इससे आगे जाओ तो महाब्रह्मांड से आगे, गैलेक्सी से आगे यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स में भी ऐसी अव्यक्त दुनियाएं हैं, 16 कला की यूनिवर्स है, 16 कला की ब्रह्मांड, परमा ब्रह्मांड गैलेक्सी है, 9 से 12 कला का गैलेक्सियां होती हैं, ब्रह्मांड 1 कला से 8 कला के ब्रह्मांड होते हैं, मतलब एक प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड है। जैसे हमारा ब्रह्मांड पहले बना तो एक प्रकाश वर्ष था,
मतलब उसकी रेडियस होती थी 188 खरब किलोमीटर, मतलब अरे सॉरी रेडियस नहीं डायमीटर 188 खरब किलोमीटर, रेडियस तो 94 खरब किलोमीटर थी। तो अभी हर ब्रह्मांड छोटे मोटे होते रहते हैं, उसमें हर जगह अव्यक्त दुनिया है, कारण जगत है, महाकारण जगत है, उसमें कारण जगत महाकारण जगत में बहुत डिटेल में भी बता सकते हैं। जहाँ जैसे मनुष्य जब उसका 3 तत्व से अंदर परम तत्व का कारण शरीर जागृत हो जाए, वो कारण जगत में जैसे विष्णुपुरी में गया तो वो वैकुंठ है, तो वैकुंठ में चला गया तो उसका कारण शरीर जागृत हो गया तो वो इसलिए कारण जगत कहेंगे। इससे ऊपर शिवपुरी में गया, शिव शक्ति जहाँ रहते हैं तो वहां 100% परम तत्व है, तो महाकारण जगत, महाकारण शरीर चार्ज हो गया तो महाकारण जगत है। इससे ऊपर निराकार बन गया तो परमधाम निराकार है, तो आत्मा निराकार बन गई, कर्म बंधन सारे छूट गए। तो ऐसी तरह गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, मल्टीवर्स तक व्यक्त और अव्यक्त दुनिया हर जगह है, होती है। हर सोलर सिस्टम में भी मैंने एक ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, हर सोलर सिस्टम में भी व्यक्त दुनिया और अव्यक्त दुनिया माना स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, परमधाम होते ही रहते हैं, और परमधाम उसका कंट्रोलर होता है और क्रिएटर होता है। हर ब्रह्मांड का हो, चाहे महाब्रह्मांड का महाशिव हो, परमा ब्रह्मांड का परमा शिव हो, वो सब कंट्रोलर होते हैं, निराकार होते हैं, निराकार को चलाते हैं। इसलिए जो इन आंखों से नहीं दिखते वो अव्यक्त दुनिया है, और जो दिखाई देता है मनुष्य की नजर से व्यक्त दुनिया है। तो बाबू जी यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट बात यही है कि व्यक्त और अव्यक्त, जैसे हम 5 तत्वों में आ गए तो ये व्यक्त दुनिया में आ गए, जब हमारा शरीर नहीं था तो हम अव्यक्त दुनिया में थे, मतलब जो जल लोक, महल लोक, स्वलोक, तप लोक, ऊपर के जो लोक हैं वो सब अव्यक्त ही है ना, वो दिखे तो ऊपर के, वो दिखेगा नहीं ना, ऊपर के अंदर जाओ तो दिखेगा ना, तो वहां जो जिनको ज्ञान हो जाए वो फिर आत्मा जाती है ना। ओके, पहले जिनको ज्ञान या धरती पर ज्ञान लेते हैं ना, तो जो लोग देते हैं आत्मा में शक्ति आती है, तो आत्मा शक्ति भर के ऊपर चली जाती है, इसलिए आत्मा का अंत मतेशो गति आत्मा, नहीं तो फिर यहाँ अच्छी आत्मा है तो ऊपर जाती है, आत्मा को ज्ञान चाहिए पहुंचने के लिए, तो ज्ञान होगा तो ऊपर चली जाएगी, ऊपर के लोकों में चली जाएगी। मैंने कई जर्नी ऑफ सोल में मैंने सब कुछ कहा है कि वीडियो है जर्नी ऑफ सोल में, उसमें फिर वो महाकाल प्रलय का भी बातें की हैं, तो उसमें भी वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें भी स्थूल जगत सूक्ष्म जगत की बातें की। बाबू जी आपका कारण जगत के ऊपर भी एक वीडियो है, सूक्ष्म जगत के ऊपर भी वीडियो है, तो जो हमारे श्रोता अधिक जानकारी चाहते हैं वो बापू जी का अनस्पोकन ट्रूथ भाई बापू जी का प्लेलिस्ट खोलिए, उसके अंदर ये सभी सब्जेक्ट है, वहाँ से अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। और कुछ कहेंगे बापू जी इसमें? बस मैं 2 शब्दों में बोल देता हूँ कि सभी आत्माओं को कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, सभी आत्मस्वरूप बने, आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी अथॉरिटी माना, सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर समझ के वो ऊंचते ऊंच परम धाम में, बेहद ही कला के परम धाम में निराकार स्वरूप में है, उसे वो पावर हाउस है, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, आत्मा में पावर चाहिए, आत्मा को पावर की कमी है, तो आत्मा में पावर आ जाएगी, परम प्रकाश आएगा, परम प्रकाश डिवाइन लाइट आएगा, तो आत्मा में पावर आने से ये कारण शरीर सूक्ष्म शरीर सब चार्ज हो जाएगा, विक्रम विनाश हो जाएगा। जैसे गीता में भी कहा है, तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों को विनाश कर दूंगा, अंत में परमधाम ले जाऊंगा। तो ये ध्यान है, ज्ञान 2 शब्दों का है, आत्मा और परमात्मा, आत्मा का पिता परमात्मा है, तो ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ये शिव महाशिव परमाशिव परम 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 महाशिव का ये रचयिता है, ग्रेट 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 ग्रैंड फादर है सब, तो ये सभी आत्माओं का, तो आप एक ही कनेक्शन जोड़ो, एक ही रिलेशन जोड़ो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, और रिलेशन जोड़ोगे भक्ति मार्ग की तरह तो पावर नहीं मिलेगी। चलिए बाबू जी आपने जो समझाया बहुत बढ़िया बताया आपने, तो सभी श्रोताओं को कहूँगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से दुनिया तक पहुँचाएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेली एक नया वीडियो आएगा जो कि आत्मकल्याण की ओर आपके ले जाएगा। बाबू जी आपका बहुत धन्यवाद, परम शांति। परम शांति।